चाहते हो, आप लोगों की मांग पर आप लोगों का मिर्च जो हमको दिए थे उसको ध्यान में रखते हुए आपके मन में गणित के जो भय नामक भूत बैठा हुआ है उस भूत को भगाने के लिए मालिकराम वर्मा का भी विषय लेकर आए हैं। आज का विषय है दो वर्गों का योग, हम कैसे आसानी से सरलता से सही उत्तर कम समय पर ज्ञात कर सकते हैं ये बताने जा रहे हैं। साथियों जो इस वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो यूट्यूब पर मालिकराम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा अंत तक देखेगा, आपके मन में जितना भी गणित के पीछे भय बैठा हुआ है उस भय को भूत को मैं भगा कर रहूँगा। अब आपको गणित में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक आपके साथ मालिकराम वर्मा चाहते हैं। देखिए दो वर्गों का योग हम कितना आसानी से सरलतापूर्वक हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। हम पहले कोई प्रश्न ले लेते हैं, 23 का वर्ग धन 27 का वर्ग इसको हम जोड़कर एक ही पंक्ति में किस प्रकार उत्तर प्राप्त करते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, आपके दिमाग में बढ़ जाएगा और कभी जीवन भर ये प्रश्न का उत्तर कैसे निकालते हैं ये कभी उड़ नहीं पाएगा। देखिए सबसे पहले हम करते हैं इकाई इकाई का वर्ग करते हैं, तो इकाई में हमारे पास क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, 3 किया 9 49 और 9 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 58, 58 का 8 5। साथियों इतना पहले प्रक्रिया जो है वो समझ आ गया होगा, हम इकाई इकाई का वर्ग करके दोनों को जोड़ दिए। सेकंड बार में हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई को दोनों का गुणा करके उसका हम दुगुना करते हैं। चलिए 2 किया 6, 2 7 14, 14 और 6 हो गए 20, अब उसका दुगुना कर देंगे तो 20 कितना हो गया 40 और हमारे पास 5 यहाँ है, 40 और 5 को जोड़ेंगे तो जाएगा 45, 45 का 5 और फिर हमारे पास हो गया 4। फिर हम दहाई से दहाई का वर्ग करके जोड़ लेते हैं, 2 दुनी 4, 2 दुनी 4 और 4 4 होता है 8, हाँ फिर हमारे पास 4 बचा है तो 8 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 12। इस प्रकार हम एक ही पंक्ति में कम समय में बड़े से बड़े प्रश्नों का वर्ग का योग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम और दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, 43 42 कर देता हूँ, 42 का वर्ग धन 24 का वर्ग, 40 का वर्ग धन 24 का वर्ग, इसको भी हम बड़ी आसानी से कैसे प्राप्त करते हैं ये आपके इस प्रश्न में हम बहुत ही आसानी से समझाने जा रहे हैं। साथियों ये प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, फिर हम आपको बड़ी बड़ी संख्या लेकर के इसका हम वर्ग का योग ज्ञात करने के लिए सिखा देंगे। सबसे पहले हम 2 का वर्ग करते हैं और 4 का वर्ग करते हैं, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 16, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 16 और 4 20, जिसका 0 यहाँ से 2। फिर उसके बाद इकाई दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए गुणा 4 दुनिया 8, 8 8 कितना हो गया 16, 16 का हम दुगुना कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा 16 दुनिया 32, 32 में 2 हासिल आया है उसको जोड़ देंगे तो 32 और कुछ कितना हो गया 34, 34 का 4 हासिल 3। उसके बाद सैकड़ा दहाई दहाई का वर्ग करेंगे तो 4 दुनी होगा 8 और 4 दुनी 8, 8 8 16। इसमें पहले देखोगे पहले 2 का वर्ग 2 दुनी 4 और 4 दुनी 16, 16 और 4 20 का 0 हासिल 2 हुआ। दूसरे बार में हम 4 दुनी 8 और 4 दुनी 8, 8 हम को जोड़े और 16 हो गया 16 का 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, 8 8 को 16 जोड़े 16 और 2 32, 32 और 2 34, 34 का 4 हासिल 3। तीसरे बार में हम क्या करते हैं, हम दहाई दहाई का फिर वर्ग करते हैं,
चार दस सोलह दो दूनी चार, सोलह और चार को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा बीस, और बीस और तीन कितना हो जाएगा तेईस। इस प्रकार से हमारा उत्तर एक ही पंक्ति में प्राप्त हो गया। साथियों अब मैं अंक को बढ़ाते चलता हूँ। चलिए पाँच अंठावन का वर्ग धन सड़सठ का वर्ग, विधि आप लोगों को समझ आ गए हैं। अब प्रक्रिया को हमको ध्यान में जब आ जाता है तो हम उसको अंक को बड़े करते चलते हैं। आठ अठी चौंसठ, सड़सठ से उनचास, चौंसठ और उनचास कितना हुआ, चौंसठ और उनचास को जोड़ेंगे तो चौंसठ में एक पहले उनचास में रहते पचास हो गए, पचास में साठ एक सौ दस और तीन एक सौ कितना हो गया तेरह। देखिए ये आठ अठी चौंसठ हुआ और सड़सठ से उनचास, तो हम इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक ही सिर से ले आए तो ये पचास हो गया, पचास सौ साठ एक सौ दस और तीन तेरह, एक सौ कितना हुआ तेरह, तो एक सौ तेरह से कितना हो जाएगा तीन अड़तीस ग्यारह। ठीक है, जोड़ने के लिए समझ आ गया होगा। आठ अठी चौंसठ और सड़सठ से उनचास, तो चौंसठ में एक दे देते हैं तो उनचास कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा, पचास और साठ को जोड़े तो एक सौ दस हुआ और तीन वहां से बचा हुआ तो एक सौ तेरह, एक सौ तेरह का तीन अड़तीस ग्यारह। सेकंड वर्ग में क्या करते हैं, दोनों का गुणा करते हैं फिर जोड़ करके दोगुना कर देंगे। पांच अठे चालीस, छह सत्ते बयालीस, चालीस और बयालीस को जोड़ेंगे तो बयासी हो जाएगा। पांच अठे चालीस, छह सत्ते बयालीस, चालीस और बयालीस को जोड़े तो हुआ बयासी। अब बयासी का दोगुना कर देंगे एक सौ चौंसठ होगा, कितना होगा एक सौ चौंसठ और ग्यारह को उसमें जोड़ेंगे तो एक सौ चौंसठ और एक सौ पैंसठ और एक सौ पचहत्तर है ना, तो एक सौ पचहत्तर का पाँच आखिर कितना बचा सत्रह, कितना बचा सत्रह। अब दहाई दहाई का वर्ग करेंगे, पाँच पंचे पच्चीस और छत्तीस छत्तीस, पच्चीस और छत्तीस को जोड़ेंगे तो छत्तीस में पाँच जोड़ेंगे इकतालीस और बीस और जोड़ दो इकसठ, इकसठ और सात अड़सठ और दस अठहत्तर, ये हो गए हमारे पास अठहत्तर। इस प्रकार से एक ही पंक्ति में बहुत जल्द से शीघ्रता से हम दो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, इक्यानवे का वर्ग धन चौरासी का वर्ग, इस प्रकार से भी प्रश्न हमको प्राप्त हुआ है तो इस प्रश्न को भी हम बड़ा ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रश्न को ध्यान में रखिए, प्रक्रिया को ध्यान में रखिए, उसके बाद बड़े से बड़े प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आपको डरना क्या है, जब मानिकराव वर्मा आचार्य जी आपके साथ में है डरने की कोई बात नहीं है, है ना, गणित से आपको डरेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पहले इकाई का वर्ग करते हैं, एक का वर्ग एक और चार का वर्ग है सोलह, सोलह और एक को जोड़ दिए कितना हो गया सत्रह, हासिल कितना हो गया सत्रह का सात हासिल एक हुआ। उसके बाद इकाई दहाई का गुणा करेंगे फिर दुगुना कर देंगे, नौ एकम नौ आठ चौ बत्तीस, बत्तीस और नौ होता है इकतालीस, इकतालीस का दुगुना कर देंगे तो बयासी और बयासी हासिल एक आया है, बयासी और एक तिरासी का तीन हासिल आठ। इसके बाद में दोनों का दहाई का वर्ग करेंगे, नौ ये इक्यासी आठ अठे चौंसठ, तो इक्यासी में चार पहले ले रहते हैं चौंसठ का, तो देखिए नौवीं इक्यासी हुआ और चौंसठ हुआ तो इक्यासी में चार जोड़े कितना हो गए पचासी। अब या आप ऐसे भी कर सकते हैं आठ से चौदह एक सौ चालीस और पाँच पैंतालीस, कितना हुआ एक सौ पैंतालीस और एक सौ पैंतालीस में हम आठ जोड़ लेते हैं तो हो जाता है एक सौ तिरपन, कितना हो जाता है एक सौ तिरपन। तो जोड़ने की प्रक्रिया भी आपको आसानी से आना चाहिए, फिर उसके बाद बड़े से बड़े प्रश्नों के हम दो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। साथियों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो YouTube पर जाकर मानिकराव वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके आप अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तो लीजिए अभी
वीडियो को आप अपने सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए, सभी सीखे जाए, सभी के मन में जो गणित का भय का भूत है वो भूत भाग जाए। इसी प्रक्रिया में हम आज दो वर्गों का योग आपको समझाए। अगर वीडियो समझ आए है तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।